सभी रिश्तों में श्रेष्ठ होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। इस रिश्ते को हिंदू धर्म में विशेष मान्यता दी गई है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार। गुरु को लेकर संत कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। जिसका अर्थ है, गुरु और भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा भगवान को? ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा से भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का त्योहार प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। शिष्य इस दिन को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। इस दिन गुरु की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता व्यास जी का जन्म भी हुआ था। व्यास जी संस्कृत के महान विद्वान थे। हिंदू धर्म में 18 पुराणों का जिक्र है, जिनके रचयिता महर्षि वेदव्यास ही हैं। साथ ही वेदों को विभाजित करने का श्रेय भी व्यास जी को जाता है, जिस वजह से इनको वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। गुरु पूर्णिमा का आरंभ 4 जुलाई को सुबह 11:33 से शुरू हो रहा है, जो 5 जुलाई को 10:13 तक रहेगा। कैसे करें पूजा? अपने गुरु को या उनकी प्रतिमा को उच्च आसन पर बैठाएं, उनके पैरों को जल से धोएं और फिर पोछें, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार फल मिठाई और दक्षिणा अर्पित करें। ये पर्व गुरुओं की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। गुरु का हमारे जीवन में महत्व को समझने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे लोग भी गुरुओं की प्रतिमा का पूजन करते हैं। माना जाता है, इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूजनीय माना गया है। गुरु पूर्णिमा गुरु की महिमा को बताता एक भारतीय त्योहार।